वर्सेस अफगानिस्तान का मैच दोस्तों चल रहा है अभी, और कहाँ चल रहा है आप लोगों को पता है नहीं पता है, तो देश का राजधानी समझ लीजिए दिल्ली में हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इन दोनों के बीच सबसे पहला मैच कब और कहाँ हुआ था, आप लोगों को पता है तो बताइए, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं हम क्यों है। मीरपुर में साल 2014 में पहला गेम किया गया था जिसमें 11 रन से इंडिया ने जीत लिया, इस तरह की न्यूज निकल के आ रही है। मतलब कितनी कड़ी टक्कर, आपको क्या लगता है आज कौन जीतेगा कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेकबॉक्स मॉर्निंग में। काफी जबरदस्त वीडियो डाल दिया, इसका अनबॉक्सिंग डाला है एजुकेशन पर्पस के लिए, देख लीजिए। काम की चीज तो आपकी नहीं है, गजब बेइज्जती बहुत लोगों की है, बहुत लोगों की नहीं है, लेकिन देख लीजिए आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि कैसा होता है ये सारे प्रोडक्ट। जरूर देखिए, बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था बहुत इंटरेस्टिंग कि इनमें से एक स्मार्टफोन में क्या होना सबसे ज्यादा जरूरी है। 47% लोगों ने कहा कि एक स्मार्टफोन में डुअल स्पीकर होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। बाकी के 24% लोगों ने कहा 2 ईयर की वारंटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कौन है ये लोग? और कुछ अल्ट्रा लेजेंड है 9% लोग जो बोलते हैं कि भैया वाटर प्रूफ, या 15% लोग वाटर प्रूफ होना चाहिए। कहाँ से आते हैं? आपके हिसाब से एक स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? और मैं 15% में हूँ, वाटर प्रूफ फोन होना चाहिए क्योंकि हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, समझ रहे हो जी आप। आपको क्या लगता है वाटर प्रूफ होना चाहिए या क्या होना चाहिए कमेंट में जरूर। तो चलिए पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो बात करते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप में एक नया तरह का बग आ गया है जिसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि कोई भी चैट को आप म्यूट करते हैं तो वो म्यूट नहीं रहता, वो फिर से बोलता है कि भैया हम आ गए, आई एम सॉरी बाबू, इस तरह की कुछ अपडेट है। बात करते हैं नेशनल सिनेमा डे की, जो ऐसा बताया जा रहा है ये 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसके दिन मतलब 13 अक्टूबर के दिन अगर आप PVR वगैरह कहीं पर भी जाएंगे तो 100 रुपए का डिस्काउंट मतलब टिकट आपको देखने को मिलेगा 99 का, इस तरह की न्यूज निकल के आ रही है। आप मूवी वगैरह देखना चाहेंगे, हम तो जाएंगे भैया, कौन सा मूवी लगा होगा इस वक्त। चलिए बात करते हैं पबजी की, बहुत दिनों के बाद ये हमारे टेक न्यूज में आया। तो पबजी का ऐसा कहना है कि 1363 करोड़ रुपए का बेनिफिट होकर ये साल 2023 का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला, अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेम बन चुका है, इस तरह की कुछ न्यूज निकल के आ रही है। वहीं BGMI का 2.8 का नया अपडेट आ गया है जिसपे हम बताएंगे क्या 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 चीज नया आया है, उसके लिए स्टे ट्यून करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं PS5 की। ऐसा बताया जा रहा है कि PS5 अभी तक हम लोग ऑनलाइन वगैरह खेलते थे और कुछ इंस्टॉल करके खेलते थे, लेकिन वो जो CD वाला या कैसेट वाला था वो रिमूव कर दिया गया था। लेकिन अभी PS5 का नया वर्जन आया है जिसमें CD वगैरह आ चुका, इसके प्राइस जो है 42,999। आप खरीदना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए। बात करते हैं Spotify की। Spotify भैया फ्री नहीं रहा, आपके बाद पैसा देना होगा। और बाहर में आइसक्रीम वाला आ गया जिनका टन टन का आवाज मेरे कानों में आ रहा है, तो हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक। चलिए बात करते हैं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज की। आपको क्या लगता है कि आईफोन 15 और 15 प्रो मैक्स दोनों का जो मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का सेम है, आप लोगों को ऐसा आज तक लगता है तो आप लोगों को गलत लगता है। ऐसा बताया जा रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि आईफोन 15 और 15 प्रो मैक्स का जो 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर जो दोनों में कॉमन दिया गया है, जिसमें से 15 प्रो मैक्स का सेंसर बड़ा है और 14 का सेंसर छोटा है, तो ये गेम खेल रहा है एप्पल। आप ये मत समझ लीजिए कि भैया सिम मिलता है, इस तरह कुछ अपडेट है तभी तो मैनेज किया जाता है प्राइस। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। चलिए वक्त होता है आपके सवाल लेने का, तो ZeroZG का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इनका नाम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा बच्चा वगैरह होगा तो हम नाम रखेंगे ZeroZ, काफी अच्छा लगा नाम सुन कर। तो इनका सवाल ये है कि Redmi Note 10 Pro में क्या Android 14 का अपडेट आएगा? तो मेरे हिसाब से भैया नहीं आएगा, क्योंकि इसको 12 मिला, 13 मिल गया, 14 नहीं आएगा, दो ही देता है ये लोग। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। बात करते हैं अब Redmi Note 13 सीरीज की। तो ऐसा बताया जा रहा है कि Redmi Note 13 जो है भैया इंडोनेशिया में लिस्ट हो गया है, वहां पर बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन बात करते हैं Redmi का K70। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है 3C सर्टिफिकेशन में 90 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ लिस्ट हो गया, बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। इंडिया में पोको के सीरीज में ये घुसड़ सकते हैं, इस तरह की न्यूज निकल के आ रही है। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। बात करते हैं बहुत अतरंगी न्यूज की। Xiaomi जो है इलेक्ट्रिक कार बनाने वाला है, और इलेक्ट्रिक कार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसा बताया जा रहा है कि उसमें डुअल मोड होगा जिसमें 1.5 लीटर का टैंक होगा जो आपका पेट्रोल भी रहेगा और इलेक्ट्रिक भी रहेगा, मतलब 1.5 किलोमीटर तक, मतलब 1.5 किलोमीटर में आपका गाड़ी जितना जा सकेगा अगर आपका चार्ज खत्म हो गया है, तो इस तरह का कुछ अपडेट निकल के आ रही है। टैंक थोड़ा बड़ा करना चाहिए, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। चलिए बात करते हैं सैमसंग की। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सैमसंग का 3 फोन आने वाला है जिसमें से एक फोन का नेम आ गया है सैमसंग का M44। ये जो है स्नैपड्रैगन 888 के साथ आएगा और
25 वाट का फास्ट चार्जिंग वगैरह देखने को मिलेगा, इस तरह की कुछ अपडेट है। सैमसंग फास्ट चार्जिंग पे क्यों नहीं काम करता, आप लोगों को कुछ लॉजिक पता है तो कमेंट में। चलिए बात करते हैं ईडी भैया की। बहुत नाम सुन रहे होंगे चर्चा में, ईडी है ये सारा काम कर रहा है इंडिया में, लेकिन इन्होंने वीवो के दो कर्मचारी को भैया वही जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होता है उसी के लिए गिरफ्तार कर लिया, इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। अब ये दोनों क्या कर रहा था ऐसे बैकग्राउंड में नहीं पता हमें, बस हमारा काम था बताना तो बता दिए क्योंकि वीवो आया। बात करते हैं iQOO 12 की, तो इसका कैमरा सेंसर का मतलब इन्फॉर्मेशन बाहर आ गया है, 50, 48 और 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा, इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। साथ साथ में बात करते हैं OnePlus की, OnePlus का जो 12 है उसका भी कैमरा इन्फॉर्मेशन बाहर आ गया है, 50, 48 और 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक सेंसर और 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX99 का सेंसर देखने को मिलेगा। अब ये सेंसर किस तरह से वर्क करेगा हमें कुछ नहीं पता, बस हमारा काम था बताना। वहीं बात करते हैं इनका ओपन फोन जो आने वाला है उसका प्राइस होगा 1,20,000, इस तरह की कुछ अपडेट है। आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए कमेंट। वहीं बात करते हैं इनका वॉच भी आने वाला है, वॉच 2, और ये OnePlus 12 सीरीज जब आएगा उसी के साथ लॉन्च होगा। लेकिन बात करते हैं अब ओप्पो की, तो ओप्पो का जो फ्लिप फोन होगा उसका प्राइस ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना में 74-75 हज़ार में लॉन्च हुआ, इंडिया 94-95 हज़ार तक का जाएगा, मतलब 96-95 थाउजेंड तक का जाएगा, इस तरह की कुछ अपडेट है। क्या लगता है इतना महंगा आप बाय करना चाहेंगे कमेंट में। चलिए बात करते हैं मोटो एज 2023, ये एक फोन आने वाला है मोटो की तरफ से जिसमें ऐसा बताया जा रहा है डायमेंसिटी 7030 का प्रोसेसर, 144 हर्ट्ज का कर्व डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है और बहुत सारी चीज। क्या लगता है ये फोन में प्रो जो प्रोसेसर है उसके हिसाब से इस फोन की प्राइस क्या होगी कमेंट में जरूर बताइए। चलिए बात करते हैं नथिंग की, तो नथिंग जो है एप्पल का जो फ़ोन है उसका बैक केस बना रहा है, इस तरह की कुछ अपडेट है। और ये मिलके कोलैबोरेशन में काम कर रहा है कैस्टिफाई, मतलब ये केस बनाता है फ़ोन वगैरह का, उसके साथ मिलकर मतलब अपना डिज़ाइन दे रहा है और ये लोग बिल्ड कर रहे हैं और ये आईफोन का बैक कवर बना रहा, अपना खुद क्यों नहीं बना रहा है कमेंट में जरूर। बात करते हैं जेब्रॉनिक की, जेब्रॉनिक ने दो जबरदस्त लैपटॉप वाई सीरीज और जेड सीरीज पर लॉन्च कर दिया है। वाई सीरीज का प्राइस जो है 23,990 रुपये इसका प्राइस है, ये मिलता है 2 कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ, और दूसरा वाला जो है 52-54 हज़ार का है जिस जो मिल रहा है कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ, आप लेना चाहेंगे कमेंट में जरूर। तो दोस्तों टेक न्यूज़ होती है ख़त्म, बात करते हैं डील सराफर की, तो बिग बिलियन डे सेल में मोटरोला का जो 50 इंच का टीवी है वो 29,000 में मिल रहा है, जाके देख लीजिए। वहीं बात करते हैं पोको का M6 Pro 9,999 में मिल रहा है, पोको का X5 Pro ये मिल रहा है 16-17 हज़ार रुपये में, और F5 जो है 22-21 हज़ार मिल रहा है, तो जाके देख सकते हैं। वहीं बजाज का एक गीज़र मिल रहा है 25 लीटर का 4,999 में, काफ़ी ज़बरदस्त डील सा, जाड़ा भी आ रहा है और किसी इलाके में आ भी चुका होगा, तो इस तरह का कुछ है। आप लेना चाहेंगे इनमें से कौन सा प्रोडक्ट कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कल एक जबरदस्त वीडियो आ रहा है इसी के ऊपर जिसको आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा, लेकिन एक अपडेट आई है उसके बारे में भी बात करेंगे कल, तो उसके लिए स्टे ट्यून करिए, मॉर्निंग में 9 बजे वीडियो लाइव हो जाएगा क्योंकि वीडियो बन चुका है, जा भी चुका है, अपलोड भी हो चुका है, कल सुबह 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके लिए स्टे ट्यून करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए एक दिन पहले हम वीडियो लेकर चलते हैं ताकि दूसरा दिन आप लोगों को दिक्कत नहीं हो और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।